नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। फरुखाबाद जनपद के कायमगंज ब्लॉक क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 से पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीलेश यादव ने दूसरी बार रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त करने पर समस्त क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए समस्त क्षेत्र का विकास कराने का ऐलान किया। निवेदक नीलेश यादव के बड़े भाई उदयपाल सिंह यादव पूर्व प्रत्याशी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोकसभा क्षेत्र फरुखाबाद व नगर पंचायत अध्यक्ष कंपिल जनपद फरुखाबाद उत्तर प्रदेश। फरुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कादरी गेट स्थित वेदांता हॉस्पिटल में जिलाधिकारी के आदेश के बाद प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के मरीजों को भर्ती करने के दिए गए थे आदेश। प्राइवेट अस्पताल मालिक अपनी जेब भरने के लिए खाली बेड को फुल दिखाकर पैसे का कर रहे बंटरवांट। कादरी गेट पर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के मरीज के लिए बेड फुल बताए जा रहे। जब मरीज ने बोला तो कर्मचारी मारने को दौड़ पड़े। जब मरीज के भतीजे अंकित कटियार ने डीएम से बात करने की बात कही तो इस पर हॉस्पिटल मैनेजर ने बोला, यहाँ से चले जाओ तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड समीउल्लाह खान की रिपोर्ट। मैं आया था, क्या मामला हुआ है यहाँ पर? क्या पता चला है कि आप यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर भी गए हैं? एक्चुअली कुछ बात विवाद हुआ है, इस बारे में क्या मामला हुआ? मेरा पेशेंट था, हमारा मेडिसिन का होलसेल का काम है, ठीक है। तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे, तो उनके मतलब उनको थोड़ी दिक्कत है, तो वो यहाँ पे आए थे, तो मैं यहाँ पे आई। हालांकि ये वेदांता हॉस्पिटल जो है ये कोविड में है, तो मैं यहाँ पे आया। मैंने कहा सर मुझको एक पेशेंट एडमिट कराना है, तो ये बोले कि सर ऑक्सीजन नहीं है, और दूसरी बात पेशेंट मेरा पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा है, यहाँ पर कोई पेशेंट नहीं है। उसका मैंने वीडियो भी बनाया है और ये सारे लोग सामने खड़े हैं, इनके सामने बनाया है, ठीक है जी। और उसके बाद ये बोले हैं कि मैं जब अंदर गया, मैंने कहा आप मेरी डॉक्टर साहब से बात कराइए, आप चाहे डॉक्टर विपुल अग्रवाल को बुला लीजिए या डॉक्टर सिमी अग्रवाल को बुला लीजिए, आपका कोविड में हॉस्पिटल है तो इसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए। डीएम साहब ने हर कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल कराई है, ठीक है ना जी। इसके बाद जब हॉस्पिटल के अंदर गए तो उसके बारे में आपने क्या वहां पे आपको बताया गया? हॉस्पिटल के अंदर गया, पहले तो गार्ड। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।